पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के चीफ वहीब खलील ताहिर संधू ने कहा है कि परवेज इलाही ने चार्ज न छोड़ा तो आर्टिकल 245 के तहत फौज और रेंजर्स तलब करने का इख्तियार मौजूद है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खलील ताहिर संधू ने कहा कि फवाद चौधरी कैमरे के सामने कुछ और बात करते हैं, अकेले में कुछ और उन्होंने दावा किया है कि फवाद चौधरी नून लीग के टिकट के लिए राबता कर रहे हैं। खलील ताहिर संधू का मजीद कहना था कि चौधरी परवेज इलाही को पीडीएम का वजीर आला बनाने का वक्त गुजर गया, आज वजीर आला पंजाब को इत्मीनान का वोट लेना था, हुकूमती अरकान को पहुंचना चाहिए था। रहनुमा नून लीग ने कहा है कि गवर्नर ने आज वजीर आला को इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहा है। आइन के मुताबिक गवर्नर जब चाहे वजीर आला को इत्मीनान के वोट का कह सकता है। खलील ताहिर संधू ने कहा है कि वजीर आला को पहले डी नोटिफाई किया जाएगा। अपोजिशन की तरफ से सिर्फ एक रकन का होना जरूरी है, 186 अरकान की हमायत वजीर आला ने हासिल करनी है। वजीर आला को डी नोटिफाई किया जाता है तो वजीर आला का इंतखाब होगा।